मन की आवाज न्यूज की तरफ से आप सभी देशवासियों को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम ले चलते हैं आपको लुणोल गौशाला, जहां पर गायों की देखरेख हो रही है। आपको बता दें कि लुणोल गौशाला को बामासा रसिक भाई कोठारी चलाते हैं, जो मंडार निवासी हैं और वो वहाँ के अध्यक्ष भी हैं। वहीं पर मंडार जैन समाज के मंडार जैन संघ के अध्यक्ष बुरमल चौवटिया भी पहुँचे हैं। उन्होंने गायों को उन गायों के मन पसंदीदा जो लड्डू वो हमेशा वहाँ बनते हैं, वो बड़े लड्डू खिलाए जा रहे हैं बुरमल चौवटिया की हाथों से। आप देखिए, ये गायों को लड्डू खिला रहे हैं रसिक भाई कोठारी और बुरमल चौवटिया। ये गौशाला रेवदर से 5 किलोमीटर पर स्थित है। आपने देखा होगा टोल टैक्स, जो टोल नाका है उसके पास में ही, सामने की तरफ मामा जी का थान है उसके पास में ही गौशाला है, जहाँ पर इन गायों की सेवा होती है। सैकड़ों की संख्या में गाय हैं, पूरी संख्या तो हमें पता नहीं है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में बताई जा रही है। अब 300 है, 400 है, 500 है, ये पता करने पर ही पता चलेगा, लेकिन गायों की सेवा जरूर हो रही है वहाँ पर। लोग देखिए, ये लड्डू खिला रहे हैं, ये हैं बुरमल चौवटिया जो अपने हाथों से गायों को लड्डू खिलाकर पुण्य ले रहे हैं। यही गौ सेवा है, जो सही मायने में गौ सेवा कहते हैं। आप देखिए, चारों तरफ शेड बने हुए हैं गायों के लिए। आने वाले समय में हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। एक बार हम उस गौशाला का विजिट करेंगे और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा भी लेंगे और वहाँ की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी लेंगे और आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल मन की आवाज़ न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जैसे भी कमेंट लगे आपको, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, जो भी आप कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार करेगा। हम ज़्यादातर पॉजिटिव खबरों पर ही फोकस करते हैं और आपके लिए ऐसी ही खबरें लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।